हमारा दुनिया एक रहस्यमय से घिरा हुआ है। तो ऐसा घटना घटती है जिसका पीछे का मिस्ट्री आज तक कोई नहीं जानता, और ऐसा मिस्ट्री है जिसका पीछे का रहस्य जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। आज का टॉपिक है, क्या ब्लैक होल एग्जिट करता है और हेता कहाँ है और क्यों है, जिसका मिस्ट्री कोई जानता है। इसी तरह सवाल बहुत मन में आएगा और जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ। जवाब देने से पहले आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और ऐसा ही मिस्ट्री जानने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रात में कई सारा तारा नजर आएगा जिसका खूबसूरती दीवाना हो जाती है इंसान, और उसी आसमान में ब्लैक होल है। उसके बाद भी हमारा सन, पृथ्वी, गैलेक्सी उसके बारे में सोचता है। ब्लैक होल एग्जिट करता है इंसान बहुत साल पहले बोल दिया था, उसके बाद रिसर्च किया और जान पाए ब्लैक होल एग्जिट करता है। सबसे पहले ब्लैक होल का खोज किया 1780 में जॉन मिचेल ने। उन्होंने बोला था आसमान में कहीं न कहीं जगह पर इतना बड़ा तारा होगा जिसका ग्रेविटी हमारा अनुमान से कई लाखों गुना ज्यादा होगा और इसके कलर ब्लैक होगा, इसीलिए ब्लैक होल कहा जाता है। आम भाषा में बोला जाए तो काला गड्ढा जो आसमान में स्थित। ब्लैक होल से पहले उस तारा कैसी थी जानने के लिए उसके आगे जाना होगा। पहला कंडीशन, उस तारे को सन से भी बड़ा होना चाहिए, और इसका मतलब ये भी नहीं है जो ज्यादा दिनों वक्त रहेगा, और तारों का भी जन्म मृत्यु होता है। एक तारे में इतना ग्रेविटी होती है जो अंदर की तरफ फोर्स लगा रहती है, और उसी बीच न्यूक्लियस फोर्स होती है, इसीलिए ग्रेविटी ज्यादा होती है और तारे को स्टेबल रखती है, और न्यूक्लियर रिएक्शन अनलिमिटेड नहीं होती है, कई सालों के बाद खत्म हो जाती है, और उसके बाद तारे अनस्टेबल हो जाती है और अंदर की तरफ खींच जाती है। अभी मैंने कहा ब्लैक होल्स मानने के लिए उस तारे को मास बहुत ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ग्रेविटी कम हो जाती है, लेकिन ब्लैक होल बनने से बजाय उसके बाद ब्लैक होल बन जाती है, सुपर लूना हो जाए। सुपर लूना ये है दुनिया का सबसे बड़ा ब्लास्ट है, आसान भाषा में कहूँ तो फट जाती है जब टाइम आता है, उस तरह ब्लास्ट हो जाती है। जब ब्लैक होल बनता है उसके मास अंदर की तरफ खींचता है, निकिल उसका मास कम नहीं होगा, वो इसलिए एक गुब्बारा लीजिए और उसके अंदर हवा भरी है, मगर गुब्बारा ब्लास्ट नहीं होता और ज्यादा हवा अंदर की तरफ खींचता है। सोचिए उसका मास कितना ज्यादा होगा, और इस वजह से और ज्यादा छोटा होता है, और ब्लैक होल ऐसा ही है अंदर की तरफ खींचता है, और जो अंदर की तरफ जाता है वो बाहर कभी नहीं आएगा। कोई भी चीज हो, प्लैनेट हो और कोई भी चीज हो, जब अंदर की तरफ जाएगा तो बाहर कभी नहीं आएगा। कोई भी चीज हो, प्लैनेट हो और कोई भी चीज हो, अंदर तरफ जाएगा तो कभी वापस नहीं आएगा। सबसे पहली बार ब्लैक होल का सबूत मिला था 1971 में, और आज भी साइंटिस्ट को मानना है ब्लैक होल एक नहीं चार, और इनमें भी दो तरह का ब्लैक होल है। पहला स्टेलर ब्लैक होल और सुपर मैसिव ब्लैक होल। और स्टेलर ब्लैक होल ये है कोई तरह आपके अंदर खींच जाता है और मर जाता है, जिसका मास सन से भी कहीं ज्यादा होना है। अभी साइंटिस्ट का अनुमान ये है एक कैसे बनी होगी, और ये भी मानना है आसमान में कई जगह में ब्लैक होल स्थित है। और आप ब्लैक होल के बारे में क्या जानें, उसके अंदर फोर्स है, ग्रेविटी है, और कुछ भी अंदर खींच लेता है और कभी बाहर नहीं आएगा। निकल आप एक वीडियो में देखते हो ब्लैक होल का अंदर बहुत सारा पदार्थ खींच लेते हैं और उसके बाद बाहर भी आ जाता है, ये क्या हो रही है? ब्लैक होल का मतलब अंदर खींचता है, बाहर कैसे आ रही है? और इसका जवाब पार्ट टू में होगा, कैसे हो रही है। और आप यहीं तक देख लिया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट में पार्ट टू लिख देना। मुलाकात होगी पार्ट टू में, तब तक के लिए बाय, आप खुश रहे।